Hello students and welcome to the class. I think the voice is audible to all of you. Okay. हम लोग मेजरमेंट में क्या किए थे अभी तक हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट सीजीएस यूनिट एफटीएस यूनिट एमटीएस यूनिट एसआई यूनिट और कितने टाइप के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और उनका क्या सिंबल्स होता है लेटर्स में कि प्रीफिक्सेस क्या क्या यूज करते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग का जो क्लास है वो है कि हम लोग जो लेंथ होता है उसको किससे मेजर करते हैं. ठीक है, तो आप लोग के पास स्केल होगा. ठीक है, तो अगर आप स्केल अपना निकाल लेंगे तो और ज़्यादा बेटर आपको चीज़ें समझ में आएंगी. ठीक है, ऑल्दो मैं जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मैं थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, समझ लीजिए लेटर से यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओके, मैं ये लाइन बना दिया लेटर से. आपसे कहूँगा स्केल से आप नापो, तो आप क्या करोगे इसको नापोगे. ठीक है, समझ लो आपकी स्केल है ये पीली वाली. ठीक, इस तरीके से आपने अपना स्केल बनाया और इसको क्या करना नापना है. ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे आपका लेटर से 5 हो गया. ठीक है, तो आप कहोगे यार ये देखो ये 1 यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि इसको अगर पूरा मान लेते हैं. ठीक है, तो ये 1 2 3 4. ठीक, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है लेटर से 1.3 से स्टार्ट हो रहा है लेटर से. ठीक है, 1.3 से 4 तक जा रहा है. तो आप कहोगे कि ये जो लाइन है ना काली वाली, ये जो काली वाली लाइन है जो सीधी थोड़ी नहीं बनी है ये यहाँ से यहाँ तक, इसका जो लेंथ है ये 4 माइनस 1.3 बराबर 2.7 है. 2.7 है एमएम में. ठीक है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया, मैंने देखा हाँ सही है. ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, इतना हमने कह दिया. ठीक है, लेकिन 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 मैं कहूँ कि भाई ये देखो ये 1.3 पे नहीं है. ठीक है, अब दूसरा लड़का रहा है, दूसरा लड़का आके कह रहा है कि सर देखो इसको मैं अच्छे से मिटा करके, अरे यार ये क्या मिल गया. ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ. ठीक है, इस पॉइंट पे बस कंसंट्रेट करो, आओ इस पॉइंट पे बस कंसंट्रेट करो. ठीक है, ये समझ लो तुम्हारी रेखा थी, ये था तुम्हारा स्केल, ये 1 1 2 3 4 इस तरीके से लेटर से. ठीक है, तो तुम कोई बच्चा कह रहा है कि सर नहीं ये तो 1.3 से थोड़ा सा ऊपर है, कोई कह रहा है नहीं ये 1.3 से थोड़ा सा नीचे है. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, तो क्या होगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, तुम्हारा जो मीटर स्केल है दैट इज गुड इनफ टू रीड 2.7, बट वो एग्जैक्टली और एक्यूरेसी के साथ नहीं बताएगा ना, और एक्यूरेसी के साथ नहीं बताएगा कि इसका जो वैल्यू है वो 2.73 है या 2.67, ये नहीं बताएगा. ठीक है, देयर इज ए लैकिंग ऑफ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या हो रही है, लैक कर रही है, लैकिंग ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी लैक कर रही है. क्यों, क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट है वो आइदर हम 2.7 कर सकते हैं या इसके ऊपर का, यानी कि 2.8 mm कर सकते हैं ना. ठीक है, तो इसके बीच का मेजरमेंट तो कर नहीं पाओगे. ठीक है, 2.7 और 2.8 के बीच का मेजरमेंट तो कर नहीं पाओगे. ठीक है, तो मल्टीपल लड़कियां हैं, मल्टीपल आंसर दिए, मुझे इन दोनों का भी आंसर मानना पड़ा क्योंकि आई कैन नॉट मेजर द मिड वैल्यू. ठीक है, इसका जो मिनिमम काउंट है वो तो 1 mm है. ठीक है, ये 2.mm नहीं होगा, ये लेटर ये cm होगा, सॉरी मेरे से. ठीक है, ये mm नहीं होगा, दैट इज अ cm, ये भी cm और ये भी cm, हर तरफ जो भी मैंने लिख दिया है mm में उसको तुम लोग cm मान लेना. ठीक है, ये भी जो mm में लिखा है उसको तुम क्या मानना, cm मान लेना, सेंटीमीटर सॉरी. हाँ ठीक है, तो देखो टू, अब हमारे क्या कह रहे थे 2.7 mm, 2.8 mm. ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में से हो, इन्हीं दोनों के बीच में होगा, यानी कि 1 mm का हमारा जो है वो लीस्ट काउंट है, यानी कि आइदर ये 2.7 cm होगा और 2.8 cm होगा. ठीक है, mm में कन्वर्ट करोगे तो क्या आइदर 27 mm और 28 mm, यही तो होगा ना. ठीक है, यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे मैं करता हूँ नीचे, आइदर 27 mm होगा या 28 mm होगा. ठीक है, ठीक,
तो यानी कि 1 mm का जो है वो लीस्ट काउंट है तुम्हारा, कौन से स्केल में, मीटर स्केल जो तुम्हारे पास रखा है, ठीक है। लेकिन क्या इससे अच्छी भी स्केल है, क्या इससे अच्छी स्केल है जो हमें और बताए कि भाई एक्यूरेसी लेवल और अच्छी हो सकती है, तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, वर्नियर स्केल आता है, ठीक है। देखो वर्नियर स्केल कैसा होता है, ये तुम्हारा स्केल है, ठीक, स्केल ये मेन स्केल होता है, इसके ऊपर तुम्हारा होता है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल ये होगा और ये है तुम्हारा मेन स्केल, ये तुम्हारा मेन स्केल है और ये तुम्हारा वर्नियर स्केल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मतलब रीडिंग कैसे नापते हैं पहले उसको, ठीक। ये जो होती है, ये इट कैन स्लाइड, स्लाइडिंग होती है, ठीक है, इट कैन स्लाइड ओवर द मेन स्केल, ऐसे ऐसे इधर उधर क्या कर सकती है, ये स्लाइड कर सकती है। जैसे कि तुमने मेन स्केल रखा और मेन स्केल के ऊपर इसको स्लाइड करा के कभी इधर ले गए, देखो इस रंग से बना रहा हूँ, स्लाइड करा के तुम कभी इधर ले गए इसको, या कभी स्लाइड करा के इधर से इधर ले गए ऐसा, ठीक है। तो उसमें तुम्हें करना क्या होता है, क्या होता है मैं और भी बता रहा हूँ, पहले इसका डायग्राम समझ, ठीक। अब ये जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल का अपना जो स्केल होता है जो तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में मिलता है उसी की तरह रीडिंग होती है, ठीक। वर्नियर स्केल की रीडिंग ऐसे होती है, समझ लो मेन स्केल में कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन को मैं बना देता हूँ ऐसा, 1, 2, 3, 4 लेट अस से ऐसा, फिर ये तुम्हारा mm में कैलिब्रेशन होगा, ठीक है। इस तरीके का जो नीचे जा रहा है वो मेन स्केल का कैलिब्रेशन, ठीक है, इस तरीके से तुम मान लो। और जो वर्नियर स्केल का कैलिब्रेशन है वो मैं पढ़ रहा हूँ, वर्नियर स्केल का लेटर से यहाँ पे 10 कैलिब्रेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से समझ लो कैलिब्रेशन, ठीक है। और डू नॉट, मतलब उस पर आप लोग मत जाइए कि मैं डायग्राम कैसा बनाया हूँ, ठीक है, आप लोग बस एक कैलिब्रेशन समझो। मैं यहाँ पे अभी कैलिब्रेशन के बारे में बता रहा हूँ कि वर्नियर स्केल का जो कैलिब्रेशन है वो किधर दिखता है, ठीक है। इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ कैलिब्रेशन डिवीजन, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमारे मोस्ट ऑफ केसेस में हमारे कितने डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे कितने डिवीजन होंगे, 10 डिवीजन होंगे, अरे यार ये क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे कितने डिवीजन होंगे, 10 डिवीजन होंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस मोस्टली, ठीक है, बट एग्जैक्टली क्या है दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, हम लोग वो भी थोड़ा देखेंगे, ठीक। और ये तुम्हारा स्केल है जो तुम अपने पेंसिल बॉक्स में यूज करते हो, उसका कोई मसला नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को करना क्या होता है, ठीक, अभी मैंने ये तुम्हें बता दिया, अब मैं तुम्हें इसको हम इधर उधर स्लाइड करते हैं। तुमने दो कैलिब्रेशन देख लिया, ये मेन स्केल का है, ये वर्नियर स्केल का है। अब फिर से आ जाओ कि कैसे हम लोग रीडिंग निकालते हैं, ठीक। चलो ये तुम्हारा मेन स्केल बन गया और ये तुम्हारा वर्नियर स्केल बन गया, ये ऊपर ऐसे हरे में, ठीक। मेन स्केल का डिवीजन मैं मार देता हूँ, वर्नियर स्केल को थोड़ा छोटा बनाते हैं वरना क्या होगा कि घट पर आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके से या डायग्राम से बताते हैं, लेकिन चलो ठीक है। लेट अस से कि ये 12 है, ये 13 है, ठीक है। और वर्नियर स्केल में जो कैलिब्रेशन है, ठीक ये तुम्हारा वर्नियर स्केल है, लेट अस ये ऐसे, ठीक, इस तरीके से लेट अस से तुम्हारा वर्नियर स्केल, ठीक है। इसमें कितने डिवीजन है, लेट अस से 10 डिवीजन है, ठीक है, लेट अस से 10 डिवीजन है। और मेन स्केल तुम्हारा ऐसे है, वर्नियर स्केल का जो ये ऐसे ऊपर जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से ऐसे बना है, मेन स्केल का ऐसे बना है, ठीक है। और मेन स्केल का भी मैं बना देता हूँ, लेट अस से 1, 2, 3, 4, 5
इस तरीके के, इस तरीके का तुम्हें कुछ दिया हुआ है, समझ लो इस तरीके का तुम्हारे पास फिगर है, तो तुम्हें रीडिंग कैसे निकालनी है, रीडिंग कैसे लेना है, रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस पी इंटू एल सी। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, रीडिंग निकालते हैं, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे, अभी तुम बस ये जान लो, ठीक। तो अभी इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे उसको जान लो, अभी हम आगे सब कुछ बताते हैं, ठीक। तो मेन स्केल रीडिंग जो भी है 12.1 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें देखो 12.1 दिख रहा है ना, तो तुम 12.1 देखो, खत्म। अब पी क्या है, पी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का डिवीजन जो होता है वो मैच होता है। तो यहाँ से करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि सातवां डिवीजन मैच कर रहा है, तो 7 लिख दोगे इंटू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक, रीडिंग तुम्हें समझ में आ गया। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं, ठीक है, आ जाओ फिर से और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, और ठीक है, फिर से हम बनाएंगे एक मेन स्केल और तुम्हारा एक बनाएंगे वर्नियर स्केल, ठीक है। देखो एक एक चीज जान लो, एक चीज जान लो, ठीक है, इन जनरल ये बात है, क्या है इन जनरल, क्या होता है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, इन जनरल ये होता है, इन जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक। अब आगे आ जाओ, मान लो हम लोग क्या ले रहे हैं, 10 डिवीजन वाला वर्नियर स्केल ले रहे हैं, 10 डिवीजन वर्नियर स्केल मेरे पास, लेट अस सी, मेरे पास ये रखा हुआ है 10 डिवीजन वर्नियर, ठीक। तो इन जनरल ये तो सही होगा, इन जनरल जो बातें हैं वो तो सही होगी, यानी कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दैट मींस इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये तो हुआ ना 1 डिवीजन, ठीक है, अब 9 डिवीजन जो था, ठीक है, ठीक है, 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, तो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल या 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना होता है, 1 mm होता है ना, 1 mm होता है, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल इक्वल टू 0.9 mm, 1 डिवीजन जो होगा वो 0.9 mm के बराबर है, ठीक है। और अब दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज होता है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट की क्या वैल्यू होती है, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये तुम्हारा लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल तुम जानते हो कितना है, दैट इज 1 mm, ठीक, ये जनरल बात है, ये जनरल बात है, ठीक, दैट इज इक्वल टू 1 mm, माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल तुम देखे कितना आया था, 0.9 mm, तो दैट विल गिव 0.1 mm, यानी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल किसका, 10 डिवीजन वाला, दैट इज, और या मोस्टली, हर केस में नहीं, देखो हर केस में आपका फॉर्मूला यूज होगा, ये जो दो फॉर्मूला मैंने बताया है इधर इधर, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है जो हर केस में यूज होगा, लेकिन मोस्टली आपके क्वेश्चंस में इस तरीके से है तो हम लोग मोस्टली पे बात करेंगे, लेकिन हर केस में नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो वन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल 10 डिवीजन का 0.1 mm है, जो कि हमें याद कर लो, ठीक है, मोस्टली, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, मोस्टली है यहाँ पे, ठीक है, याद कर लो, बहुत सारे केसेस में ये होगा, लेकिन तुम्हें ये सब चीज़ें वैल्यू, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को में वो करना है, ये जो दो चीज़ें मैंने लिखी है, ठीक है। एक और चीज़ देखो, एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन, एक्स इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन,
नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, x इज इक्वल टू वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.1, यहां से भी तुम निकाल सकते हो लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट तुम यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक, तो लेट अस से हम पुराने वाले चीजों पे आ जाते हैं, फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रीडिंग क्या कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 12.1 प्लस 7 इंटू एलसी 0.1, ठीक है, दैट इज 12.1 प्लस, देखो 0.1 इन मिलीमीटर एंड 0.01 इन सेंटीमीटर, इसको भी ध्यान देना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे वो कर दी, ये mm है, तो इसको 0.01 करोगे तो ये 0.07 आएगा, दैट इज इक्वल टू 12.17, ठीक है। इस ये तुम्हारा क्या जाएगा, डीडी का जाएगा, ठीक। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी पहले कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा चीज़ें क्या होती है समझ में आती है, ठीक, समझ में आएंगी तो और बेटर हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखो क्या है कि देयर माइट बी कि मैं उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पाऊँ क्योंकि बट आई थिंक आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, मुझे बस तुम्हें समझाना है, ठीक है। और बुक से तुम डायग्राम को वो करो, पेपर करो, यहाँ पे लेट अस से कि हमें किसी स्केल का वो नापना है, ठीक। इस तरीके का तुम्हारा कुछ दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे तुम्हारा है 12 और यहाँ पे है तुम्हारा 12-13 नहीं लेते हैं ना, इसको हम ब्लैक मेल करते हैं, ठीक है। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, ये और ये लाइन मिट गई, ठीक। ये तुम्हारा लेटर से है 12 नहीं लेते हैं यार, 12% नहीं लेते हैं ना, दिक्कत हो जाती है। इसको मैं लेता हूँ 10 और इसको हम ले लेते हैं 11, ठीक। यहाँ पे डिवीजन भी बना दो, लेटर से 1, इस तरीके का लेटर से डिवीजन है, ऊपर भी एक डिवीजन बना देते हैं, इस तरीके का लेटर से डिवीजन है। तो तुमसे पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द वैल्यू, मतलब रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल, तुमसे क्या पूछ रहा है, रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की क्या रीडिंग है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस पी इंटू एल सी, ये तुम जानते हो। मेन स्केल रीडिंग तुम्हारी क्या है, दैट इज 10.1 प्लस पी, पी के वैल्यू है कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, पी मतलब कोइंसाइड कहाँ पे कर रहे हैं, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल और मेन स्केल कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट इज पी, ठीक है। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पे कोइंसाइड कर रहे हैं इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल मैंने बताया यहाँ पे कि 0.01 इन सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या लिखना है, 0.01 लिखेंगे इन सेंटीमीटर, आपका आ जाएगा 10.1 प्लस 0.05, ठीक है, दैट इज 10.15 सेंटीमीटर इसका आंसर, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। और भी हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए आपके स्क्रीन से एक प्रॉब्लम दिख रही होगी, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक। क्या दे रखा है, 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक, वर्नियर स्केल है, मैं स्केल बना देता हूँ, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। ये वर्नियर स्केल पे क्या है, वर्नियर स्केल पे जो है वो 25 डिवीजन, ठीक है, विच हैव अ लेंथ ऑफ 24 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसका लेंथ जो होगा 25 डिवीजन का, दैट इज इक्वल टू 24 डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल के 24 डिवीजन के बराबर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड टू 20 इक्वल पार्ट्स, ठीक, 1 सेंटीमीटर जो है मेन स्केल का वो 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फाइंड द लीस्ट काउंट, ठीक, लीस्ट काउंट बताना है।
अब देखिए 1 सेंटीमीटर जो है मैंने लीस्ट काउंट बताया था, लीस्ट काउंट होता है x by n, x इज योर 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर, जो भी मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, इसको भी मैंने क्या किया है, 20 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 20 डिवीजन मैंने बनाए। ठीक, तो 1 डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, 1/20 सेंटीमीटर में यही होगी ना, सेंटीमीटर में 1/20 होगी। तो कौन, n क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है, 25। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20 / 25 = 1/20 × 1/25, यानी कि 1/500, ये क्या आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। एक और प्रॉब्लम की करेंगे, उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम दिखेगा, बट उसको आप लोग मैनेज करना किसी भी तरीके से, बुक का प्रॉब्लम है। ठीक, 12 1 2 इस तरीके से आपका बना हुआ, और यहाँ पे आपका 4 5 6 7 8 9 एंड देन 13 1 एंड देन 2। ठीक है, वर्नियर स्केल इसके और इसके बीच में है, इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। ये तुम्हारा क्या है, नीचे वाला जो तुम्हें दिख रहा है वर्नियर स्केल है, और यहाँ पे कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, दैट इज द 7th डिवीजन इज मैच। तो डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा देखो, मैं बोला ना कि गलती होगी मेरे से, क्योंकि आई एम नॉट एग्जैक्ट, मैं वो नहीं बना रहा हूँ, लेटेस्ट ये तुम्हारा आपका मैच करता है। तो इसको आपको कैसे बनाना है, ठीक है, रीडिंग क्या होगी आपकी, व्हाट विल बी द रीडिंग, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग। व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग इज 12.2, ठीक है, 12.1 12.2 12.2 के बाद है, तो ठीक है, प्लस P into least count आपको देखना है। ठीक, तो what is the P, 1 2 3 4 5 6 and 7, 7 is the P, ठीक, and least count is 0.01। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा 12.27। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वन ईयर स्केल की रीडिंग को निकालते हैं। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, किसके बढ़ेंगे हम लोग, जीरो एरर चाहते हैं, जीरो एरर। ठीक, जीरो एरर आने से पहले एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लो। ठीक है, मैं एक कोई चीज आपके सामने बताना चाहता हूँ, आप इसको देखो और फिर आपको जीरो एरर में बताऊंगा, तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको समझ में। ठीक है, समझ लो आप सब्जी ले रहे हैं, ठीक, अब वहाँ पे पहले ही ये 30 लेट अस से ही वो 0 ग्राम दिखा रहा था, और आपने 250 ग्राम आलू लिया। ठीक है, उसके बाद रीडिंग जो दिखा रही है वो 250 ग्राम दिखा रही है, इसको ये लटा दिया था। ठीक है, पहले 0 दिखा रही थी, ये 0 दिखा रही थी, अब रीडिंग 250 दिखा रही है। एक्चुअल आलू कितना है, एक्चुअल में आलू कितना है, वो कितना है, 250 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट तुम ले देंगे, ठीक है, अब रीडिंग दिखा रही है 30, तुमने 250 ग्राम मांगा, वो 250 ग्राम दे दिया। ठीक है, अब रीडिंग दिखा रही है 250, लेकिन एक्चुअल में आलू कितना है तुम्हारे पास, 250 - 30, यही तो है ना, 250 - 30 यानी कि 220 ग्राम तुम्हारे पास आलू रखा है। ठीक, अब क्या हुआ, ठीक है, जो रीडिंग दिखा रही थी वो -30 दिखा रही थी, -20। अब फाइनल रीडिंग क्या है, 250 ग्राम। ठीक है, अब क्या रीडिंग होगी, 250 - 20, ठीक है, 270 ग्राम, ये तुम्हारा क्या है, फाइनल रीडिंग, समझना है। ठीक है, तो दैट मींस कि तुम इसमें क्या कर रहे हो, ये भी देखो, यहाँ पे जब जीरो एरर था, यानी कि जब काउंट जीरो पे था, तो तुम्हें 250 मिल रहा था, अब तुम्हें पहले ही इनिशियल काउंट 30 पे है, तो तुम्हें एक्चुअल में 220 मिला है ना,
ठीक है, रीडिंग तो फाइनल रीडिंग ये दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में तो मिला कितना है, 220 मिला है, इनिशियल काउंट माइनस 20 था, ठीक, तो उसमें तुमने क्या किया, 250 माइनस माइनस 20, ठीक है, तुम्हें ये समझ में आ रहा है, अगर ये समझ में आ रहा है तो हम जीरो एरर का भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि जब वर्नियर स्केल ह्यूमन से बना रहे हैं, ह्यूमन से बना रहे हैं, तो देयर कैन बी द फॉल्ट, फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, उसमें दो तीन प्रकार, एक तो होता है जो जीरो एरर होता है, जीरो एरर है, ठीक है, यानी कि एररलेस है, ठीक, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, उसको भी हम लोग देखेंगे, और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। अब जीरो एरर यानी कि एररलेस कब होगा, एररलेस कब होगा यानी कि कोई एरर नहीं है, कब होगा, जब तुम्हारा ये समझ लो मेन स्केल है और ये तुम्हारा वर्नियर स्केल है, ठीक है, जब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों कोइंसाइड, नीचे वाला समझ लो तुम्हारा वर्नियर स्केल है, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, तब तुम्हारा होगा जीरो एरर, ठीक है, कोई एरर नहीं हुआ, तब तुम्हारा जीरो होगा, ठीक है, दोनों अगर कोइंसाइड कर जा रहे हैं, इन दोनों का अगर जीरो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं तो नो एरर, नो एरर का कंडीशन बनेगा, यानी कि कुछ नहीं होगा, ठीक। अब पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, इसका जीरो इधर और इसका जीरो इधर, अगर इस तरीके का केस बन रहा है, मेन स्केल का जीरो इधर है और वर्नियर स्केल का जीरो इस साइड है, वर्नियर स्केल का जीरो क्या है, राइट साइड में है, तो ये होगा पॉजिटिव जीरो एरर का केस, पॉजिटिव जीरो एरर का, ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, ठीक, कहाँ पे तुम्हारा ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, लेट अस से कि ऊपर वाला मेन स्केल का है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और नीचे वाला ऐसे तुम्हारा बन रहा है, लेटर से 1 2 3 4 4 पे लेटर से मैच कर रहा है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, लिख दोगे पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू पी इंटू एल सी, ठीक है, पी मतलब मैं यहाँ पे नहीं मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे एन लिख दे रहा हूँ लेटर से, ठीक है, एन क्या है कि कहाँ पे दोनों वैल्यू कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 4 × 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज 0.04 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। अब क्या करना है इसका, वो अभी हम लोग देखेंगे, कि पहले तुम अभी निकाल लो कि दैट इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। सिमिलरली अगर नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव पहले नेगेटिव जीरो एरर देखो, क्या हो गया, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक। अब कब होगा, देखो तुम्हारा ये मेन स्केल है, ये तुम्हारा वर्नियर स्केल है, मेन स्केल का जीरो इधर है और वर्नियर स्केल का जीरो है वो इधर है, ठीक है, वर्नियर स्केल यहाँ से स्टार्ट करी है, तो ये तुम्हारा केस बनेगा, कौन सा केस बनेगा, नेगेटिव जीरो एरर का केस बनेगा, ठीक। और इसमें तुम कैसे निकालोगे, नेगेटिव या एरर कैसे निकालोगे, एरर निकालोगे माइनस, देखो नेगेटिव है तो दैट इज माइनस 10 माइनस, जो जहाँ पर भी कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइडिंग का मैं बताता हूँ, लेट अस से 1 2 3 4 नीचे 1 2 3 4 5 5 5 पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 10 माइनस 5 इंटू एल सी दैट इज माइनस 5 इंटू 0.01 दैट इज माइनस 0.05, ये तुम्हें पता लग गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ठीक, तुम्हें ये तो पता लग गया कि कहाँ पे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें एक रीडिंग आएगी तुम्हारी, अब फॉल्टी स्केल से तुमने मेजरमेंट किया, फॉल्टी स्केल क्या था, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर, वो सब फॉल्टी स्केल था, ऑब्जर्व रीडिंग जो तुम्हारी करेक्ट रीडिंग आएगी, ठीक है। अब जो तुमने क्या मेजरमेंट किया, मेजरमेंट फॉल्टी स्केल से किया, मेजरमेंट तुम्हारा अपने तुमने फॉल्टी स्केल से किया, फॉल्टी स्केल से किया जिसमें या तो पॉजिटिव जीरो एरर था या तुम्हारा नेगेटिव जीरो एरर था, ठीक है, समझ जाओ, फॉल्टी स्केल से तुमने मेजरमेंट किया उसमें या तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा या तो नेगेटिव जीरो एरर होगा, ठीक। अब हम एक्चुअल जो रीडिंग आएगी, ठीक, वो हम कैसे निकालें, एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू जो भी ऑब्जर्व रीडिंग तुम्हारी है, ऑब्जर्व रीडिंग जो भी है, ठीक है, माइनस
पॉजिटिव जीरो एरर कर दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव करो, या तुम क्या कर दो ना माइनस जीरो एरर विद साइन, माइनस जीरो एरर कर दो विद साइन, साइन के साथ जो भी वो होगा वो अपना, यानी कि तुम यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला माइनस में लिखो और नेगेटिव है तो नेगेटिव के माइनस में लिखो, ठीक है। ये तुम्हारा समझ में आया कि इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे जीरो एरर को फाइंड आउट करना सीखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ मैं एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगेन मैं यही बताना चाहूँगा कि जो भी मैं डैशबोर्ड पे मतलब इस पर बनाने वाला हूँ दैट मे नॉट बी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ इसके मतलब आप बस वैल्यू को समझिए, ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड में हो सकता है उतना बेटर डायग्राम ना बना पाऊँ, आप वैल्यू को समझिए और वहाँ से चीज़ों को करिए। हाँ, पहले हम पॉजिटिव जीरो एरर ले लेते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर से ठीक क्या है, तुम्हारा ये स्केल लिया हुआ है, ठीक, तुमने स्केल को जब ऐसे देखा जीरो इसका इधर आ रहा है, इसका जीरो इधर आ रहा है, ठीक, एक दो तीन चार पाँच, इस तरीके से पाँच छः, ठीक है, और इसमें कहाँ पे मिल रहा है, एक दो तीन, समझ लो इस पे मिल रहा है, ठीक है, तो इसका यानी वन ईयर स्केल का चौथा है ना, वन ईयर स्केल का चौथा है, तो इसका पॉजिटिव जीरो एरर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर जो इसका होगा इस स्केल का होगा वो तुम्हारा हो जाएगा प्लस 0. अरे पी इंटू एल सी एन इंटू एल सी, ठीक, यानी कि 4 प्लस में है, ठीक है, प्लस 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज 0.04 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अलग लिख देते हैं। अब उसी स्केल से समझ लो तुमने कोई मेजरमेंट किया, ठीक है, जो ऐसा दे रहा है, लेट अस से कि 13 है और ऐसा दे रहा है, मेजरमेंट तुमने ऐसे किया, इसमें क्या दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से दे रहा है, और यहाँ पे क्या दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से दे रहा है, तो 6 पे हो रहा है। तो तुम्हारा ऑब्जर्व रीडिंग क्या आएगा, ऑब्जर्व रीडिंग क्या आएगा, ऑब्जर्व रीडिंग जो आएगा तुम्हारा दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग, वन ईयर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग तुम्हारा क्या है 13। अब वन ईयर तुम्हारा यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है ना, ये देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा है 13, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक, प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो मैच कर रहा है 6 इंटू एल सी, एल सी क्या है 0.01, ठीक है, तो दैट विल 13.06 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऑब्जर्व रीडिंग हो गया। एक्चुअल रीडिंग क्या आएगा, सिंस ये एरर वाला पार्ट है ना, एक्चुअल रीडिंग जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस मेन स्केल रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, तुम करोगे ऑब्जर्व रीडिंग है तुम्हारा 13.06 माइनस पॉजिटिव जीरो एरर तुमने किया तो 0.04 आ गया, प्लस 0.04 इस तरीके से, तो दैट इज इक्वल टू 13.02 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा एक्चुअल रीडिंग आएगा, ठीक है। एक नेगेटिव जीरो एरर का भी कर लो, क्या है, अरे आ जा भाई, हाँ नेगेटिव जीरो एरर में ठीक स्केल मान लो उसी तरीके से तुम्हारा बन रहा है, ये स्केल तुम्हारा बन रहा है, ठीक है, और इस तरीके का ऐसा हो रहा है यहाँ पे समझ लो इसका जीरो है और यहाँ पे इसका जीरो, और फाइव साइड कर रहा है तब 1, 2, 3, 4, 5 समझ ऐसे इस तरीके से फाइव साइड कर रहे हैं 1, 2, 3 इस तरीके से इस पे पॉइंट कर, ठीक, तो तुम क्या लिख दोगे नेगेटिव जीरो एरर, पहले ये लिख दो दैट विल इक्वल टू माइनस 10 माइनस 1, 2, 3, 4, 5 10 माइनस 5 इंटू एल सी दैट इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 0.01 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.01 ठीक, ये होगा तुम्हारा नेगेटिव जीरो एरर।
अब हम क्या करना है, नेगेटिव जीरो एरर देखो तुम्हारा हो गया नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है स्पीडी निकालनी, ठीक है। तो तुम्हें लगता है कि इस क्वालिटी से तुमने कुछ मेजर किया, ठीक है, और उसका उसका समझ लो इस तरीके से कुछ वैल्यू आ रहा है, क्वालिटी तुमने मेजर किया है उस तरीके से कुछ वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर तुम 10 मान लो और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से तुम्हारा है, और यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और वो 7 पर तुम्हारा मैच नहीं करना। दैट इज ऑब्जर्व रीडिंग जो तुम्हारी होगी, दैट इज 10.2 प्लस टी इंटू एल सी, यही करोगे ना, यही करोगे तो दैट इज दैट विल बी इक्वल टू 10.27 आता है। 10.27 का ऑब्जर्व रीडिंग ये सेंटीमीटर में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें फाइंड आउट करना है एरर, ठीक है, यानी करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो दैट इज ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जो भी एरर है, ठीक है। तो ऑब्जर्व रीडिंग मेरी है तुम्हारी 10.27 माइनस एरर कितना है भाई, एरर है तुम्हारा हम साइन के साथ लिखेंगे माइनस 0.05, तो दैट विल बी इक्वल टू 10.32 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो विद दिस एग्जांपल वी हैव कंप्लीटेड, टेक वर्नियर स्केल, व्हाट इज द एरर, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर, हमने इन चारों को यहाँ पे क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक, और जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझे क्या कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कूल वर्क पढ़ेंगे, फिर हम लोग टाइम पेंडुलम पर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना कोर्स करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद आपसे, ठीक है, फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे।